अस्सलाम वालेकुम। तो आज यार हम लोग बात करने जा रहे हैं व्हाट्सएप के कुछ ऐसे कमाल के फीचर्स के बारे में। ये कोई ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं है, वो एक सेपरेट वीडियो है और वीडियो। और आईफोन की अनबॉक्सिंग मैंने की नहीं। मैं रात को सोने से पहले सोच रहा था कि यार व्लॉग तो डाल दिया बट अनबॉक्सिंग नहीं की, तो मैंने बनाई है यार वीडियो, वो नेक्स्ट पोस्ट करते हैं। बहरहाल ये जो आपको वीडियो मजा देने वाली है और व्हाट्सएप के कुछ फीचर्स हैं, ट्रिक्स नहीं है, ये व्हाट्सएप के अंदर अपडेट्स आई हैं रिसेंटली, बहुत ही मजे की वो है। लाइक भी कर दिया, सब्सक्राइब भी किया हुआ है, वीडियो स्टार्ट करते हैं ना भाई। यहाँ पर यार बहुत ही मुझे तो बहुत ज्यादा कूल चीज लगी है कि व्हाट्सएप में एक नया वॉलपेपर वाला फीचर आ गया, यानी आप कोई भी अपनी मर्जी का वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, लाइट डार्क जो मर्जी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आपको जो है ऑप्शन मिलेगा चैट्स वाला, इसमें और आगे वॉलपेपर के अंदर आप यहाँ पर अपनी मर्जी का वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लाइट करना है तो आप डिफरेंट टाइप के लाइट्स वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा डार्क वॉलपेपर सेट कर सकते हैं और उसकी जो ब्राइटनेस वगैरह है उसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मतलब एकदम तबाही ये फीचर मुझे लगा है। और यानी जाहिर सी बात, आप किसी से चैट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड का अच्छा सा वॉलपेपर होगा तो आपको मजा आने वाला है। तो ये व्हाट्सएप में रिसेंटली अपडेट आई है, तो अगर आपने ऑलरेडी व्हाट्सएप बीटा वेरिएंट ज्वाइन कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप सर्च कर लो व्हाट्सएप बीटा, अगर टॉप फॉर यू लिखो वो मेरी वीडियो आ जाएगी। उसमें आपको 10-20 दिन पहले व्हाट्सएप के न्यू फीचर मिल जाते हैं बीटा वेरिएंट ज्वाइन करने का, 1 सेकंड का काम है। और भाई सारे फीचर दूसरे लोगों आम लोगों से पहले 20 दिन पहले, महीना पहले, कुछ कुछ फीचर तो महीना डेढ़ महीना बाद में आते हैं जो हमारी नॉर्मल व्हाट्सएप होती है, जबकि जो बीटा में आपको पहले मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फीचर जो मुझे काफी अच्छा लगा वो ये है कि अब आप किसी भी बंदे को जो है डिसअपीयरिंग मैसेज का फीचर किसी की भी चैट के लिए सेपरेट से ऑन कर सकते हैं। तो आप जब किसी की भी चैट में जाएंगे उसके ऊपर नाम पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने डिसअपीयरिंग मैसेज का ऑप्शन आ जाएगा, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आगे ऑन या ऑफ आप उसको ऑन कर देंगे और वापस जब आप आएंगे तो आपको उसकी जहां पर प्रोफाइल पिक्चर लगी होगी वहां पर साथ एक ऐसे टाइमर सा आपको नजर आ जाएगा कि भाई यहां पर ऑन हो चुका है, अब आप उसको भाई जो मर्जी है करो, अब आप पे डिपेंड करता है, अब जब भी आप उसको मैसेज करो 7 दिनों बाद डिसअपीयर हो जाएगा। बट ये उतना मतलब मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब अच्छा है, अच्छा जरूर है, अच्छा चलो नई चीजें तो आ रही है, वक्त के साथ इसको इंप्रूवमेंट भी इसमें आ जाएगी क्योंकि 7 दिन से पहले वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह की चीजें कर सकता है। बहरहाल ये है कि इससे आपका डाटा बच सकता है और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, तो काफी अच्छा फीचर है। अच्छा नहीं है ये नहीं पता, बट है फीचर है, ये जरूर एक बार ट्राई कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर मुझे जो एक वाकई में कुछ चीज अच्छी लगती है वो ये कि फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कोई अली जैसा बंदा है जो गुस्सा करता है, तो अली भाई का नाम ऐसे टक से वापस लिखा हुआ है, यानी ये बहुत गुस्से वाले हैं, मौत को छू के टक से वापस, इस तरह हमने इनका नाम रखा हुआ है। तो अली भाई गुस्सा नहीं करना क्योंकि ये वीडियो एडिट भी अली भाई करेंगे। कुछ पूछा मैंने कुछ साले मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। तो भाई अगर आपकी लाइफ में कोई जिससे आपको बड़ा डर लगता है तो आप उसकी नोटिस आप उसके मैसेज से डरते हो, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली उस बंदे की चैट में जाओ, ऊपर उसके नाम पे टैप करो और यहाँ पर आप उसकी नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हो। यहाँ पर भाई मैं तो ऑलवेज करने लगूँ हमेशा के लिए, भाई डर लगता है, लाइव टू लाइव बात कर लेंगे, व्हाट्सएप पे पता नहीं क्या आ जाए, कुछ नहीं होता। तो आप किसी पहले ये ऑप्शन नहीं होता था, आप किसी की 1 वीक के लिए कर सकते थे, 1 साल के लिए बड़ा आप किसी को भी म्यूट कर सकते हो हमेशा के लिए, खत्म, बात ही खत्म। उसके अलावा यहाँ पर जो नेक्स्ट एक बहुत ही मजे की चीज मुझे लगती है यार, ये मैंने आपको एक बार लास्ट वीडियो अपडेट्स वाली में बताई थी कि व्हाट्सएप में आप जो स्टोरेज मैनेज का ऑप्शन है उसको देख सकते हैं। तो ये आपने करना किस तरह, आपने सबसे पहले उसी तरह सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको नीचे जो स्टोरेज वाला ऑप्शन मिल रहा है उसमें जाना है, तो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा कि भाई यहाँ पर जो है आपकी जो स्टोरेज है वो कितनी किस चैट में ली हुई, क्योंकि ये मेरा व्हाट्सएप अपना नहीं है जिसपे मैं किसी से बातचीत करता हूँ या कोई भी फैमिली या रिलेटिव वगैरह जिसपे ऐड है, ये मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप की अपडेट्स आपको बताने के लिए रखा हुआ है। तो ये जो व्हाट्सएप है इसमें मेरी कुछ ज्यादा चैट्स नहीं है, वरना यहाँ पर आपको बता देगा कौन से ग्रुप में, क्योंकि आपको पता है बहुत से लोग आप ग्रुप्स में ऐड करते हैं फिर वहां पे उल्टी सीधी चीजें भी शेयर करते हैं, अजीब अजीब वीडियो। तो अगर आपने ये देखना है कि आपको किस ग्रुप में सबसे ज्यादा, यानी 5 GB 6 GB डाटा किसने लिया हुआ है, किस चैट से आपको जो है सबसे ज्यादा, वो आपको टॉप पे नजर आ जाएंगे, भाई इस ग्रुप में 5 GB डाटा आपके मोबाइल का घेरा हुआ है, इस चैट ने मतलब फॉर एग्जांपल मैं अली से बात कर रहा हूँ तो भाई अली से मैंने इतनी ज्यादा बातें की हैं, उसने वीडियो शेयर की, मैंने की ऑडियो वगैरह, इसने 10 GB लिया हुआ है, तो मैं सिंपली वहां पे क्लिक करके उस चीज को सारे को डिलीट कर सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरे फोन की बहुत ज्यादा स्टोरेज बचेगी और ये बहुत ही कूल फीचर है। उसके अलावा आप लोगों को पता है कि 8 बंदों से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप कॉल नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कोई टीचर हैं या कोई भी इस तरह का आपका सीन है, आप ज्यादा बंदों को ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं मैसेंजर रूम का। तो आप किसी की इंडिविजुअल चैट में भी जाकर देख सकते हैं कि आपको मैसेंजर रूम का ऑप्शन मिल रहा है, और साथ ही आप लोग जाकर देख सकते हैं ग्रुप के अंदर भी मैसेंजर रूम का आपको ऑप्शन है, तो अप टू 50% यानी 50 लोग उसमें आपस में बैठ के बातचीत कर सकते हैं, सारा सीन कर सकते हैं। तो मैसेंजर रूम काफी कूल चीज है यार, इसको जरूर यूज करना। और आज की यही थी कुछ अपडेट्स, कुछ यूजफुल अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको काफी ज्यादा पसंद आई वीडियो अच्छी लगी, लाइक चैनल और सब्सक्राइब, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।